नोएडा साइबर क्राइम पुलिस ने एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है जो कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर फेक आईडी बनाया करता था और लड़कियों से प्यार भरी बातें कर उन्हें उकसा के गिफ्ट भी देता था और इसी के साथ जब वो उसके बहकावे में आ जाती थी तब उनसे करोड़ों की ठगी करता था। फिलहाल इस केस का विक्टिम होने वाली दो लड़कियां हैं जो कि नोएडा के आसपास की रहने वाली है। क्या है पूरा मामला जानते हैं यहाँ के एसपी से। देखिए, हमारे यहाँ एक मुकदमा कायम हुआ था जिसमें ये बात कही गई थी कि मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com पे फेक किसी दूल्हे का फोटो लगाकर और एक लड़की को ठगी का शिकार बनाया गया है। हम लोगों ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो ये चर्चिल नाम का व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ। जब इसके द्वारा जो डिवाइस यूज़ किए जा रहे हैं, भारी तादाद में इससे फेक सिम कार्ड मिले हुए हैं, करीब 46 सिम कार्ड हैं, 10 बैंक के अकाउंट्स मिले हुए हैं और इसके लैपटॉप में बहुत ढेर सारे एविडेंस है इससे रिलेटेड है। तो ये फ्रॉड कैसे करते हैं, जितने भी मैट्रिमोनियल साइट है, चाहे शादी.com हो या जीवनसाथी.com हो या कास्ट लाइन पे और रिलीजियस लाइन पे जितने भी शादी के बने हुए हैं वेबसाइट, उसमें ये फर्जी अपना अच्छा सा फ़ोटो लगा के और अपने को वो करते हैं कि हम शादी के लिए तैयार हैं। लड़कियाँ जब उसको प्रोफाइल पर मैसेज करती हैं तो ये वर्चुअल नंबर से पहले कांटेक्ट करते हैं, ज़्यादातर प्रोफाइल विदेशी होने का करते हैं और वर्चुअल नंबर से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि हम फॉरेन से आ रहे हैं तुमको देखने के लिए और हम ढेर सारा पैसा लाएंगे। जैसा इस केस में इसने कहा था कि हम 50,000 पाउंड लेकर के ब्रिटिश से चल रहे हैं, इंग्लैंड से चल रहे हैं और जब ये इंग्लैंड एयरपोर्ट पर पहुँचता है तो वहाँ से एक कॉल आती है, विदेशी कॉल होता है, जो वर्चुअल नंबर होता है, कॉल यहीं से होता है लेकिन वो विदेशी नंबरों से रहता है। और वहाँ से लड़की कॉल करती है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से हम बोल रहे हैं, ये पॉल हैं और ये 50,000 पाउंड आपके लिए ले जा रहे हैं इंडिया में। लड़की ये सोचती है कि हमारी शादी होने वाली है इससे और वो ये यकीन कर लेती है और वो ये कहते हैं कि फ़ाइन देना पड़ेगा क्योंकि ये कैश नहीं ले जा सकती है। तो ये डिटेन कर लिए हैं, कैश अगर आपको 50,000 पाउंड चाहिए जो कि आप लाखों की रकम होती है चाहिए तो आपको फ़ाइन जमा करना पड़ेगा। तो पहले 1,00,000 रुपया और लड़की जमा करती है, उसके बाद से फिर ये कहते हैं कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है इनको, कभी वहाँ की स्कॉटलैंड या। मेघा गंगवार कैमरामैन अमित के साथ नोएडा।